स्टूडेंट्स दिस इज़ मयूरी कश्यप बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ए बायोटिक फैक्टर्स से लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स जिसमें हमने लाइट के बारे में और वाटर के बारे में डिस्कस किया था आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से क्लियर सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर जो है ये क्या है इट इज़ दी मोस्ट रेलिवेंट ए बायोटिक फैक्टर यानी ए बायोटिक फैक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर आता है दैट इज़ टेम्परेचर वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर इज़ टेम्परेचर क्लियर जो टेम्परेचर बेस्ड जोन्स हैं अर्थ पे कहाँ कहाँ प्रजेंट है अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर आपने पहले भी टेंथ वगैरह में पढ़ा होगा जोग्राफी वगैरह के अंदर ठीक है इसमें अगर आप देखें तो ये जो आप पोजीशन बीच में देख रहे हैं इसे हम इक्वटोरियल पोजीशन बोल रहे हैं जीरो डिग्री ठीक है इसके बाद अगर आप ऊपर मूव करते हैं तो आप देख लें जीरो से ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ पे आपको क्या रहा दिख रहा है ट्रॉपिकल रीज़न दिख रहा है ठीक है उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल रीज़न दैन टेम्परेट रीज़न एंड नॉर्थ नॉर्थ पोल उसी तरह अगर आप इक्वेटर से नीचे वाले रीजन्स में बढ़ते हैं तो अगेन आपको ट्रॉपिकल रीज़न मिलेगा सब ट्रॉपिकल रीज़न मिलेगा टेम्परेट रीज़न एंड साउथ पोल क्लियर? सो बायोडाइवर्सिटी टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दैट इज़ रेनफॉल आर मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स ये जो बना रहे हम इसे बनाने का मकसद मेन ये है समझाना कि जैसे जैसे हम पोल्स के टुवर्ड बढ़ते हैं पोल्स कहने का मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल या नीचे की तरफ आप देखिए साउथ पोल ठीक है तो इन पोल्स के टुअर्ड जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात करें बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है जो कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी या हम बात करें टेम्परेचर जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ठीक है एंड प्रेस, प्रेसिपिटेशन विच मीन्स रेनफॉल रेनफॉल की बात करें तो मैक्सिमम होगा कहाँ इक्वेटर equator पे इक्वेटोरियल पोजिशन पे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे आप पोल के टूवर्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा कम होते जाएगा तो मिनिमम एट पोल यानी अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे होगा इक्वेटर पे और इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ बढ़े या नीचे की तरफ मींस अगर हम पोल के तरफ बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है कम होने लगता है ठीक है सो सम पैटर्न इज़ फॉलोड एल्टीट्यूडनल जोन दैट इज़ दे आर मैक्सिमम एट प्लेन्स एंड मिनिमम एट टॉप ऑफ माउंटेंस कहने का मतलब अगर हम एल्टीट्यूड वे में बात करें तो हायर एल्टीट्यूड यानी माउंटेंस पे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और अगर हम प्लेन सरफेस यानी इक्वेटर सरफेस या ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो इन सरफेस यानी लोअर एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है क्लियर इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम होगा और लोअर एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम होगा ठीक है कहने का मतलब प्लेन सरफेस यानी इक्ोटोरियल पोजीशन पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पोल्स के टुवर्ड यानी हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होगा आ गई बात नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर बेस्ड ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर बेस्ड ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला हम देख रहे हैं मेगा थर्म्स मेगा थर्म्स कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे साल हाई टेम्परेचर को टॉलरेट मतलब हाई से हाई टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को जो ऑर्गेनिज़म टॉलरेट कर सकते हैं पूरे साल दैट ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड मेगाथर्म्स उन्हें हम क्या बोलेंगे मेगाथर्म्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ऑर्गेनिज़म है ये कहाँ मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे ठीक है यानी मेगा थर्म्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर व्हाट इज़ मेगा थर्म्स इट इज़ दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलोरेट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर उन्हें हम क्या बोलेंगे मेगा थर्म्स बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाता है मीजो थर्म मीजो थर्म फॉर एग्जाम्पल टेम्परेट फॉरेस्ट अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर उसे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा कहने का मतलब विच टॉलरेट अल्टरनेटिंग हाई एंड लो टेम्परेचर थ्रू और दयर कहने का मतलब वैसे ऑर्गेनिज़म जो कि एक बार हाई टेम्परेचर फिर उसके बाद लो टेम्परीचर फिर हाई टेम्परीचर फिर लो टेम्परीचर कहने का मतलब पूरे साल वो अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परीचर को टॉलरेट करते हो उन्हें हम बोलेंगे मीज़ो थम कहने का मतलब पूरे साल सिर्फ और सिर्फ यहाँ हाई टेम्परेचर ही नहीं रहता है यहाँ पर एक बार हाई रहेगा तो उसके बाद लो रहेगा फिर हाई फिर लो तो वैसे रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें हम मीज़ोथर्म्स बोलते हैं ठीक है सो मीज़ोथर्म्स फॉर एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोथर्म्स माइक्रो मतलब क्या होता है कम छोटा ठीक है तो माइक्रोथर्म्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे विच टॉलरेट लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो पूरे साल लो टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं कहने का मतलब हाई टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेंगे उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोथर्म्स फॉर एग्जांपल कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये कैसे टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं यहाँ हम इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं प्लांट सेक्शन के बारे में पढ़ रहे इसीलिए मेगा थम से बात करें तो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये कैसे टेम्परेचर को टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर को पूरे साल फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये कैसे टेम्परेचर को टॉलरेट करता है अल्टरनेटिंग हाई एंड लो टेम्परेचर ठीक है उसी तरह जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट है ये कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं विच टॉलरेट लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो कम टेम्परेचर में ही क्या करेंगे सर्वाइव करेंगे हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते तो दैट आर कॉल्ड माइक्रोथर्म्स उसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी आ जाता है हैकिस्टोथर्म्स हैकिस्टोथर्म्स फॉर एग्जांपल अल्पाइन टुंड्रा ये कैसे हैं तो इट कैन टॉलरेट एक्सेसिव लो टेम्परेचर थ्रू आउट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ही कम टेम्परेचर होता है कहने का मतलब जैसे बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस हम एक्सेसिव लो टेम्परेचर बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस के अंदर माइनस टेन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या करेंगे सर्वाइव करेंगे जीरो डिग्री सेल्सियस या वन टू थ्री डिग्री सेल्सियस पे भी इनके लिए सर्वाइव करना क्या होता है मुश्किल होता है ठीक है ना सो so, अगर टेम्परेचर बेस्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ट्रेम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे हैं मेगा के अंदर आएंगे जो कि पूरे साल हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं जिनके पास हाई टेम्परेचर फिर लो टेम्परेचर फिर हाई टेम्परेचर मतलब अल्टरनेशन है हाई और लो टेम्परेचर का उन्हें हम बोलेंगे मीजोथम्स वैसे ऑर्गेनिज़्म जो लो टेम्परेचर को टॉलोरेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोथर्म फॉर एग्जांपल कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट एंड जो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे उन्हें हम बोलेंगे हैकिस्टोथर्म फॉर एग्ज़ाम्पल अल्पाइन तुंदरा समझ में आ गई बात तो दीज आर दी टेम्परेचर बेस्ड रीजन्स टेम्परेचर बेस्ड ऑर्गेनिज्म क्लियर अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल फ़ीचर तो किसी भी ऑर्गेनिजम के एक्सटर्नल फ़ीचर में किस तरह का चेंज आता है टेम्परेचर चेंज के कारण उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं इस पर इस इसे समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दिए हैं इन्हें हम बोलते हैं अडपटेशन रूल यानी जो जैसा टेम्परेचर उस हिसाब से जो ऑर्गेनिज़म है अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज लाया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको देखा और उस पर अपना रूल दिया और इसीलिए इसे हम बोलते हैं अडपटेशन रूल इसमें सबसे पहला था बर्गमैंस रूल ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन रहता है नीट के अंदर बर्गमैनस रूल कहने का मतलब बर्ड्स एंड मैमल ऑफ कोल्डर रीज़न कोल्डर रीज़न मतलब वैसा रीज़न जिसका टेम्परेचर क्या हो कम हो तो बर्ड्स एंड मैमल्स उस उन रीजनस के हैव ग्रेटर बॉडी साइज बॉडी साइज़ क्या होता है बड़ा होता है देन हॉट रीज़न किसके कंपैरिजन में हॉट रीज़न यानी बर्गमैन रूल यानी बर्गमैन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो बर्ड और मैमल कोल्डर रीजन यानी ठंडी जगहों पे जो बर्ड्स या मैमल रहते हैं और गर्म वाले जगह हॉट जगहों पे जो बर्ड और मैमल रहते हैं अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों के कंपैरिजन में अगर दोनों के बॉडी साइज़ को देखा जाए तो जो कोल्डर रीज़न हैं उनके बर्ड्स का उनके मैमल्स का जो बॉडी साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है ये किसने बताया बर्गमैन ने बताया बर्ग ठीक है तो पहला जो एडाप्टेशन का रूल है दैट इज़ कॉल बर्गमैनस रूल उसके हिसाब से ये बोला गया है कि ठंडी जगहों में जो बर्ड्स और मैमिल रहते हैं उनका बॉडी साइज़ बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू हॉट रीज़न्स ठीक है अनदर रूल जिसे हम हैं एलेंस रूल एलेंस रूल के हिसाब से क्या बोला गया बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ कहने का मतलब जैसे अगर हम लिम्स की बात करें हमारे हाथ पैर इन सब की बात करें या ईयर्स ऑफ मैमल या मैमल्स के ईयर्स की बात करें ठीक है लिम्स एंड ईयर्स ऑफ मैमल इनकी बात करें तो कोल्डर रीज़न का क्या होता है ये छोटा होता है कहने का मतलब अगर आप कोल्डर रीज़न के बर्ड्स मैमल्स के लिम्स को आप ऑब्ज़र्व करो तो ये देखोगे कि जो कोल्डर रीजन के मैमल्स होते हैं उनका लिम्स ईयर जो होता है वो क्या होता है काफ़ी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू हॉट रीज़न्स समझ में आ गई बात यानी अगर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करना है तो हम किस किस कौन सा रूल फॉलो करेंगे एल रूल बर्गमैन रूल से बॉडी के साइज़ की बात कर रहा है जो कि कोल्डर रीज़न का बड़ा है एल रूल के हिसाब से लिम्स के बारे में बोला जा रहा है ईयर के बारे में ईयर यहाँ ये जो ईयर है ई ए आर ये स्पेलिंग होगा वाई नहीं होगा यहाँ जो ईयर होगा तो ईयर का जो साइज़ होगा या लिम्स का जो साइज़ होगा हाथ पैर इन सब का जो साइज़ होगा वो क्या होगा अगर हम कंपेयर करें हॉट रीज़न्स के लोगों से तो वो काफ़ी छोटा होगा ठीक है बॉडी साइज बड़ा होगा लिम्स क्या होंगे छोटे होंगे कोल्डर रीजन के तीसरा जॉर्डन रूल जॉर्डन रूल के हिसाब से ये बोला गया है कि फ़िशेज ऑफ़ कोल्ड वाटर हैव मोर नंबर ऑफ़ वर्टी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर यानी अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो जो कोल्ड वाटर में फ़िश रहते हैं यानी ठंडे जगहों में जो फिशेज़ मछलियाँ जो ठंडे वाटर में रहती हैं उनका उनके वर्टिब्रे का जो नंबर है वो क्या होगा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इज़ ग्लॉगर्स रूल ग्लॉगर्स रूल में क्या बोला गया है मैमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरिया हैव डार्कर बॉडी कलर जो गर्म जगहों पे लोग रहते हैं मैमल्स रहते हैं उनका जो बॉडी का कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है अगर आप देखे भी होंगे तो ठंडी जगहों पे अगर मान लीजिए कश्मीर के लोगों को कंपेयर कीजिए यहाँ बिहार के लोगों से तो आप देखते होंगे कश्मीर के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं और बिहार के लोग थोड़े डार्क कलर सावले कलर के होते हैं रीज़न क्या है यही रीज़न है कि हॉट और ह्यूमड एरियाज़ में जो लोग हैं उनका जो कलर है वो क्या होता है डार्क होता है क्योंकि यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसके कारण जो स्किन का कलर है वो क्या हो जाता है डार्क हो जाता है ठीक है ना बट वहाँ ऐसा नहीं होता है कश्मीर रीजन्स में वहाँ का टेम्परेचर क्या है कम है तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं घोड़े होते हैं ठीक है ये किसने बताया था ग्लॉगर्स ने बताया था एंड अनदर वन इज रेंच रूल इसमें क्या बोला गया है कि बर्ड्स ऑफ कोल्ड रीजन हैव नैरो विंग्स जो कोल्ड रीजन के बर्ड होते हैं उनका जो विंग्स होता है वो नैरो होता है अगर आप देखिए पैगविन पैगविन की बात अगर करें तो पैगविन का विंग्स तो आप लोग देखे हो गे? होता है क्या अच्छा ज़रा देखिएगा उनके विंग्स कैसे होते काफ़ी नैरो होते हैं मतलब निगलिजिबल टाइप के ठीक है ना सो so, अगर आप पैगविन को देखिए जो कोल्डर रीज़न में है और नॉर्मल बर्ड्स को देखो तो नॉर्मल बर्ड्स के विंग्स आप देखिए आपको क्लियरली दिखेंगे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं ठीक है ना सो so, ये सारे जो रूल्स हैं ये इन्हें हम क्या बोलते हैं एडप्टेसन रूल्स बोलते हैं ठीक है ना सो so, अगर हम मॉर्फोलॉजी के मॉर्फोलॉजी देखें टेम्परेचर के बेसिस पे तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है पहला तो बर्गमैन रूल के हिसाब से क्या बोला गया कि जो कोल्डर रीजन के बॉड या मैमल है, वो उनका जो बॉडी का साइज ज़्यादा बड़ा होगा किस से हॉट रीज़न से दूसरा एल रूल में हमारे हाथ पैर कान की बात की गई इसमें क्या बोला गया जो मैमल्स के हाथ पैर या जो कान हैं वो कैसे होंगे छोटे होंगे किसके कंपैरिजन में हॉट रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनके कंपेयर हॉट रीजनस में जो लोग रहते हैं उनका लंबा लंबा पैर हाथ होगा बट जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके छोटे छोटे पैर हाथ होंगे ठीक है तीसरा जॉर्डन रूल जॉर्डन रूल बेस्ड है फिश पे फिश तो पानी में रहता है तो हम यहाँ कोल्ड वाटर की बात करेंगे तो जो कोल्ड वाटर के फ़िश होंगे उनका उनके जो वर्टिब्रे का नंबर होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर या नॉर्मल वाटर फिर ब्लॉगर्स रूल भी दिया गया है मैमल्स पे बेस्ड है मैमल्स जो हॉट और ह्यूमिड एरिया में रहते हैं गर्म एरिया में रहते हैं उनका बॉडी का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है ठीक है लास्ट जो दिया गया रेंस रूल इसमें बोला गया है कि कोल्ड रीजन के जो बर्ड है उनके विंग्स नैरो होते हैं ठीक है या आप बोल सकते हैं नहीं भी होते हैं बर्ड्स में तो विंग्स होता ही है इन जनरल लेकिन होंगे बट ज़्यादा वाइड नहीं होंगे ठीक है सो रेंस रूल्स के हिसाब से ये बोला गया है कि बर्ड्स जो कोल्ड रीजन में होंगे उनके विंग्स कैसे होंगे नैरो होंगे ठीक है अब यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा इस डायग्राम में आप देखिए तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है एक्सटर्नल इन्वामेंट और वाई एक्सिस पे लिया है इंटरनल इन्वायरमेंट अब इस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल इन्वामेंट कहने का मतलब हमारे बाहर का जो इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायमेंट है तो अगर आप देखें तो यहाँ तीन नाम लिखा गया है कन्फॉर्मर रेगुलेटर एंड पार्शियल रेगुलेटर ठीक है और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कन्फॉर्मर का अगर देखें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बढ़ रहा है और इंटरनल इन्वामेंट भी बढ़ रहा है रेगुलेटर का देखें तो इंटरनल इन्वामेंट कॉन्स्टेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है इंटरनल इन्वायमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है पार्शियल रेगुलेटर का देखें तो एक टाइम तक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट बढ़ेगा और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है जो एक्स इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट uh, हो जाता है और एक्सटर्नल इन्वामेंट में चेंज आने लगता है ठीक है तो so, इसको और डिटेल में अच्छे से हम समझते हैं सो so, सबसे पहला हम देखते हैं रेगुलेटर क्या होता है वट आर रेगुलेटर्स हम बोलते हैं बर्ड्स को मैमल्स को कुछ कुछ्रेड्स को भी रेगुलेटर्स में हमने देखा है कि विच हैव एबिलिटी ऑफ थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेशन टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट कहने का मतलब सिंपल वे में पहले हम समझते हैं रेगुलेटर वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स समझ में आई बात वाटर रेगुलेटर्स रेगुलेटर वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं कॉन्सटेंट कहने का मतलब मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं अपने बारे में ह्यूमस के बारे में ही बात करते हैं तो अगर हमारे इन्वॉर्मेंट का टेम्परेचर गर्मी के दिन में इट मे बी 45, फ़ाइव 42, सिक्स टू ठीक है तो 40 डिग्री सेल्सियस 42 टू डिग्री सेल्सियस 45 फाइव डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना तो ऐसा होता है क्या कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है या ठंडी के दिनों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री छः डिग्री ऐसा हो रहा है तो इन टेम्परेचर्स पे हमारा इंटरनल हमारा जो अंदर बॉडी का टेम्परेचर है वो भी दो डिग्री तीन डिग्री या फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फोर डिग्री हो जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना अगर ऐसा होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठीक है ना सो so, तो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है फिक्स्ड है ठीक सो so, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रख पाते हैं कांस्टेंट रख पाते हैं बैलेंस करके रख सकते हैं इन्वामेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते उन्हें ही हम क्या बोलते हैं रेगुलेटर्स बोलते हैं ठीक है रेगुलेटर्स में क्या क्या आ जा रहा है बर्ड्स आ जा रहे हैं मैमल्स आ जा रहे हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं मतलब इनमें क्या है कैपेसिटी है थर्मो एंड ऑसमो रेगुलेशन थर्मो मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना कांस्टेंट करके रखना थर्मो ऑसमो रेगुलेशन टू मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल इनवा और ऑसमो रेगुलेशन कहने का मतलब क्या आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना तो टेम्परेचर आयंस इनके कंसंट्रेशन को जो हमारा बॉडी है क्या करता है रेगुलेटर्स हैं वो मेंटेन करके रखते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आने देते हैं ठीक है ना सो so, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे रेगुलेटर्स बोलेंगे जैसे अगर समझिए कैसे मेंटेन करते हैं वेन टेम्परेचर बिकम हाई अगर हमारे इन्वामेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ठीक है तो स्वेटिंग पुल्स द बॉडी सरफेस तो हमें क्या आने लगता है पसीना आने लगता है ना तो पसीना क्यों आता है ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे समझ में आ रही है बात जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अचानक से क्या हो गया बढ़ गया तो बढ़ गया तो हमें क्या गर्मी लगने लगता है गर्मी लगता है तो पसीना आने लगता है तो पसीना क्या कर रहा है कूल कर रहा है हमारे बॉडी को ठीक है ना ताकि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे ठीक दूसरा जैसे दूसरा और एग्जांपल लेते हैं वन टेम्परेचर बिकम लो अगर टेम्परेचर मान लीजिए इन्वायरमेंट का क्या हो गया लो हो गया तो हम क्या हमारे बॉडी में होने लगते हैं हम कांपने लगते हैं ना सीवरिंग टेक प्लेस और ये जो कांपना है एक तरह का एक्सरसाइज और एक्सरसाइज से क्या मिलता है हीट मिलता है हीट प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है कॉन्स्टेंट रखता है समझ में आ रही है बात ठीक है सो so, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं ताकि हमारा जो बॉडी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके ठीक है तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो ये सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं कहने का मतलब अपने इंटरनल इन्वामेंट के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस कर सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे रेगुलेटर्स बोलेंगे ठीक है जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा रेगुलेटर्स क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर देखिए क्या है इनका कॉन्स्टेंट है एक्सटर्नल में भले ही चेंज आ रहा है एक्सटर्नल बढ़े जा रहा है बट इंटरनल जो टेम्परेचर है वो यहीं के यहीं है ना ठीक है तो रेगुलेटर्स किसको बोलेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं कॉन्स्टेंट रख सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे रेगुलेटर्स अब जैसे ये हमने दोनों एग्जाम्पल्स देखा इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे अब देखिए क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग रिजल्ट इन कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन अगर ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो उससे यूरिन क्या हो जाता है कॉन्सनट्रेट हो जाता है ठीक है एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और अगर आप वाटर ज़्यादा लेते हो तो उसके कारण क्या हो जाता है बहुत तेज़ी से बहुत यूरिनेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है ठीक है सो so, ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये भी क्या है पार्ट ऑफ प्रोसेस टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वामेंट ठीक है तो रेगुलेटर समझ में आ गया रेगुलेटर कहने का मतलब फिर से समझा रहे हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं कॉन्स्टेंट रख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स अनदर वन इज़ कन्फॉर्मर्स कन्फॉर्मर्स की अगर बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ एनिमल्स एंड नीरली ऑल कन्फॉर्मर्स के अंदर ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट एनिमल आते हैं और सारे के सारे प्लांट्स लगभग सारे प्लांट्स किसके अंदर आ रहे हैं कन्फॉर्मस के अंदर अब ये कन्फॉर्मस का मतलब क्या होता है कन्फॉर्मस डोंट हैव थर्मो एंड ऑस्मो रेगुलेटरी कैपेसिटी मतलब ये वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं इनके पास वो एबिलिटी कांस्टेंट रखने की एबिलिटी नहीं होती है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कन्फॉर्मस कहने का मतलब दे डोंट हैव थर्मो एंड ऑसमो रेगुलेटरी कैपेसिटी सो देअर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर इनमें क्या होता है अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर पैंतालीस है तो इनके अंदर कन्फॉर्मर्स के अंदर भी क्या होगा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी फोर्टी फाइव होगा ठीक है समझ में आ रही बात प्लान्स के अंदर भी क्या होगा फोर्टी फाइव होगा अगर दो डिग्री सेल्सियस है तो प्लांट के अंदर भी दो डिग्री सेल्सियस ही होगा ठीक है तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे कन्फॉर्मर्स बोलेंगे ठीक है जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है अगर इस डायग्राम में देखें तो कन्फॉर्मर्स के बारे में देखें इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एक्सटर्नल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ठीक है ना सो so इन्हें हम क्या बोलेंगे कन्फॉर्मर्स यानी कन्फॉर्मर वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं एक्सटर्नल चेंज होगा तो इंटरनल भी चेंज होगा ठीक है सो so, कन्फॉर्मर्स में क्या आ जाते हैं नाइन्टी एनिमल्स आ जाएंगे और नियरली ऑल प्लांट्स आ जाएंगे अनदर पॉइंट इज कि कन्फॉर्मर हैव नॉट बीन डेवलप्ड इन टू रेगुलेटर्स कन्फॉर्मर्स कभी भी रेगुलेटर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जीटिकली एक्सपेंसिव जो थर्मो रेगुलेशन है यानी टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है उसमें एनर्जी काफ़ी लगता है जैसा कि हमने देखा कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो इंटरनल टेम्परेचर को अगर हमको कांस्टेंट रखना है ठंडे के दिनों में लो टेम्परेचर है बाहर का तो हम क्या करते हैं कांपने लगते हैं तो कांपना इज़ अ काइंड ऑफ वॉट एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज में हीट एनर्जी लग रहा है ठीक है हीट रिलीज़ हो रहा है तो ये जो प्रोसेस है जिससे थर्मो रेगुलेशन से थर्मो हम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस इसमें काफ़ी एनर्जी लगता है एंड डिपेंड ऑन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सो जो कन्फॉर्मर्स है वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं यानी प्लांट्स के पास या एनिमल्स के पास इस तरह की एबिलिटी नहीं है इसी कारण जो कन् कन्फॉर्मर्स है वो रेगुलेटर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते याद रखिएगा इस चीज़ को पूछा जाता है वाई कन्फॉर्मर्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड इन टू रेगुलेटर्स बिकॉज थर्मो रेगुलेशन क्या है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है और डिपेंड करता है सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पर ठीक है ना सो so, जो कि कन्फॉर्मर्स नहीं कर सकते हैं समझ आगे बात इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा है पार्शियल रेगुलेटर्स तो हम समझते हैं पार्शियल रेगुलेटर के बारे में ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप्ड रेगुलेटरी कैपेसिटी बट अप टू द लिमिट बियॉन्ड दैट दे हैव टू वेज मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि रेगुलेट कर सकते हैं यानी कांस्टेंट रख सकते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बट एक समय तक ठीक है इसके दो तरीके हैं पहला माइग्रेट माइग्रेट कहने का मतलब मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल हैबिटेट टू दी हैबिटेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन यानी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट कहाँ से कहाँ अनफेवरेबल मान लीजिए कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है और आप उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो क्या करेंगे वो वैसे टेम्परेचर वाले एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे टेम उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन ठीक है तो इस दो तरीके से ये अपने आप को बचा सकते हैं तो पहला तो माइग्रेशन यानी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल हैबिटेट टू दी हैबिटेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एन में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है थर्मल माइग्रेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग विंटर एट कीडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान यानी जो थर्मल माइग्रेशन हो रहा है किसका साइबेरियन क्रेन का साइबेरियन ग्रेन क्यों माइग्रेट करते हैं विंटर के दौरान ये अपन अपने, अपने अप, आ, विंटर में क्या होता है लो टेम्परेचर रहता है तो इनको चाहिए हाई टेम्परेचर तो ये कहाँ मूव कर जाते हैं क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में है राजस्थान में है जहाँ का टेम्परेचर क्या ज़्यादा है तो वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ आसानी से क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर तो पहला तरीका तो आपने देख लिया माइग्रेशन दूसरा जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं सस्पेंड ठीक है अब सस्पेंड में बहुत बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से सस्पेंड प्रोसेस करते हैं इसमें सस्पेंड के अंदर जो पहला प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन ध्यान से सुनिएगा एस्टिवेशन कहने का मतलब समर स्लिप कहने का मतलब गर्मी से बचने के लिए वो क्या करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं अगर गर्मियों में वो क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे मतलब गर्मी के दिनों में वो टेम्परेचर से बचने के लिए मे बी मिट्टी के अंदर चले जाएंगे कहीं जा कर के क्या हो जाएंगे सो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिवेशन ये क्यों हो रहा है टू तो स्केप फ्रॉम हीट ठीक है तो जैसे फिशेज स्नेल्स एक्सेट्रा ये क्या कर रहे हैं अपने आप को हीट से बचा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे एस्टिवेशन यानी मान लीजिए अगर उनको गर्मी नहीं पसंद है गर्मी के दिन भर में सर्वाइव नहीं कर पाते तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे अलग अलग टेक्निक्स लगाएंगे तो स्केप करेंगे हीट को और फिर जैसे ही ठंड का मौसम आएगा वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तो इसमें इन्होंने क्या किया सस्पेंड कहने का मतलब होता है इनएक्टिव कंडीशन मतलब उसमें वो क्या है जिंदा है बट क्या कौन से कंडीशन में इनएक्टिव कंडीशन में तो इसे हम क्या बोल रहे हैं सस्पेंड जिसमें पहला है एस्टिवेशन उसी तरह से दूसरा आता है हाइबरनेशन हाइबरनेशन में क्या करते हैं ये कोल्ड से बचते ठंड से बचाते अपने आप को और इसे क्या बोलते हैं विंटर से अपने ठंड के दिनों में ये सो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर ठीक है सो so, इसे हम क्या बोलेंगे विंटर स्लिप नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंड में डायपॉज फॉर एग्जाम्पल जू प्लैंटॉन अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब इसमें क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को ग्रो नहीं करा रहे हैं इस ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव स्टेज में ठीक है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्पोर्स या सीड्स प्लांट्स के सीड्स प्लांट के क्या हैं डॉर्मेंट स्टेज में चले गए हैं इनएक्टिव स्टेज में चले गए हैं मतलब अभी जर्मिनेट नहीं करेंगे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सीड्स क्या करेंगे जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं डॉर्मेंट कंडीशन या डायपॉज बोलते हैं ठीक है ना जू प्लैंकटॉन्स के अंदर भी देखने को मिलता है तो ये सारे जो हैं ये कैसे किसके अंदर आते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स के अंदर अगर देखा जाए तो हमने इस डायग्राम में भी देखा है कि पार्शियल रेगुलेटर में अगर देखें तो क्या हुआ है कुछ देर तक टॉलरेट करेंगे और फिर क्या हो जाएंगे इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेंगे ठीक है सो so, ये जो है ये कैसे करते हैं तो इन इस दो तरीके से करते हैं पहला तो माइग्रेशन और दूसरा क्या करते हैं ये सस्पेंड सस्पेंड में तीन आ जाता है कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जो हॉट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं ठीक है ना तो सबके कंडीशन के, के हिसाब से सस्पेंड में आ जाता है एस्टिवेशन हाइबरनेशन एंड डाइफॉस समझ में आ गई बात ठीक है सो so, हमने तीन तरह के ऑर्गेनिज्म देख लिए टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे कौन कौन सा रेगुलेटर्स कन्फॉर्मर्स और पार्शियल रेगुलेटर रेगुलेटर्स में क्या होगा वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाएंगे उन्हें हम बोलेंगे रेगुलेटर्स जो बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे जिसमें ज़्यादातर 99% एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं दैट इज़ कन्फर्मर्स एंड तीसरा आ जाता है पार्शियल रेगुलेटर जो कुछ समय तक क्या रखेंगे इन्वायरमेंट में चेंज होगा उस हिसाब से चेंज करेंगे और एक समय के बाद क्या करेंगे कॉन्स्टेंट रखने लगेंगे अपने टेम्परेचर को तो उन्हें हम बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एडप्टेशन व्हाट इज़ एडप्टेशन समझते हैं बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट मतलब अपने हैबिटेड के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज़म के बिहेवियर में या उसके फिजियोलॉजिकल यानी फिज़िकल कैरेक्टर में जो चेंजेस आ रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं एडप्टेसन बोलते हैं ठीक है यानी अगर इन्वॉर्मेंट में ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके कारण आप किस तरह से अपने आप को अडप्ट कर रहे हो ठीक है अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे किस तरह का अभी आप मान लीजिए लो कहने का मतलब आप अभी हाई टेम्परेचर पे रह रहे हो मान लीजिए सडनली आप कहीं गए लो टेम्परेचर वाले एरिया में तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके कारण चेंज के कारण जो आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो दैट इज़ कॉल्ड अडोप्टेसन ठीक है नॉट एडाप्टशन यहाँ एक और मतलब है इसे हम क्लियरली और समझते हैं बिहेवियरल एंड फिजोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देर हैबिटेट इज एडाप्टशन क्लियर बट एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट मतलब ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था एडजस्टमेंट कहने का मतलब आप रह रहे हो हॉट क्लाइमेट में और अचानक से चले गए हाई अल्टीट्यूड मतलब प्लेन सर्विस पर रह रहे हो और अचानक से आप चले गए हाई अल्टीट्यूड पर तो आपको भी ऑब्जर्व करना जब आप हाई अल्टीट्यूड पर अचानक से जाते हो तो वहाँ बॉडी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं कहने का मतलब उस इन्वायरमेंट को uh, से को कोप करने के लिए इन्वायरमेंट के चेंज से को एडप्ट uh, करने के लिए क्या होता है कि ऑब्जर्व करिएगा आप कभी नोजिया टाइप फीलिंग आता है चक्कर आने लगता है डिजीनेस होता है ठीक है ना तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इसी को हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन ठीक है ना फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज़ अडोप्टेसन सो so, एडप्टेशन का मतलब क्या है जैसे अभी हमने थोड़े देर पहले देखा कि अपने इन्वामेंट में चेंज से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिज़म क्या कर रहे हैं माइग्रेट कर जा रहे हैं माइग्रेट जैसे साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल हमने लिया तो ये जो माइग्रेशन है यही क्या है एडप्टेशन है समझ में आ रही है बात तो ये कैसा अडोप्टेसन है इसे हम बोलते हैं बिहेवियरल अडाप्टन क्या बोलते हैं बिहेवियरल मतलब बिहेवियर में चेंज या फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कहने का मतलब आप उसी इन्वामेंट में रह कर के सिवरिंग कर रहे हैं या जो जैसे रेगुलेटर में हमने देखा ठंड के दिनों में लोग सीवर करते हैं या स्वेटिंग हो रहा है ये सारे जो एडप्टेसन है ये कैसे फिजियोलॉजिकल अडाप्टन या हमने बहुत सारे रूल्स देखे अभी बर्गमैनस रूल जॉर्डन्स रूल्स तो ये सारे जो रूल है इसमें मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है तो एडोप्टेशन के कारण बिहेवियर में भी चेंज आता है फिजियोलॉजी में भी चेंज आता है और इवन मॉर्फोलॉजी में भी चेंज आता है तो ये जो एडजस्टमेंट है इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से इसे ही हम क्या बोलते हैं एडोप्टशन और थोड़े देर के लिए चेंज जो आता है उसे हम बोलते हैं एथ्लीमेटाइजेशन हालांकि दोनों सेम टर्म हैं बट हमेशा हम इसे सेम टर्म नहीं बोल सकते थोड़े समय के लिए अगर इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से अब चेंज हो रहे हैं तो दैट इज़ एक्मेटाइजेशन बट अगर पूरे तरह से आपके बिहेवियर में फिजोलॉजिक फिजियोलॉजी में मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं अडाप्टेशन अब हम लोग अडप्टेशन को एक एक करके समझते हैं कि प्लांट्स में अडाप्टेशन कैसे होता है एनिमल्स में कैसे होता है ठीक है ना? सो so, प्लांट्स में अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें ठीक है तो हाइड्रोफाइट्स में ये अडाप्टेशन कैसे देखने को मिला तो इंटायर बॉडी कवर्ड बाय म्यूसिलेज अगर आप हाइड्रोफाइट्स को देखें तो उनका पूरा जो बॉडी है वो कवर्ड रहता है म्यूसिलेज से क्यों टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको अच्छे से पता होगा म्यूसिलेज का, का काम क्या होता है किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाना तो ये क्या है ये एक तरह का एडप्टेशन है जो कि कौन कर रहा है हाइड्रोफाइट्स दूसरा अगर और देखें ये हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है बच्चों प्रजेंस ऑफ एरनकाइमा एंड रूट पॉकेट्स फॉर फ्लोटिंग फ़्लोट करने के लिए हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है रूट पॉकेट्स होता है अगर आपको याद हो तो मैंने मार्फोलॉजी में ही बताया था कि हाइड्रोफाइट्स यानी एकटिक प्लान्ट के अंदर रूट पॉकेट्स प्रजेंट होता है ठीक है ना एरनकाइमा होता है एरनकाइमा इज़ अ मॉडिफाइड पैरन कायमा अगर आपको याद हो तो एनाटिमी में मैंने बताया था जो कि फ्लोट फ्लोटिंग में क्या करते हैं इनको हेल्प करते हैं ठीक है न सो so, हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये जो एरन काइमा मिल रहा है ये जो रूट पॉकेट्स रूट हेयर ना मिल करके क्या मिल रहा है रूट रूट कैप ना मिल करके रूट पॉकेट मिल रहा है तो ये जो अडपटेशन है ये किस लिए है फ़्लोट करने के लिए क्योंकि इनका इन्वायरमेंट कैसा है वाटरी इन्वामेंट है तो इनको इनके चेंज के हिसाब से अडोप्ट करना होगा तो इसलिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको रूट पॉकेट्स मिल रहा है एरन काइमा मिल रहा है ताकि आसानी से फ्लोट कर सके ठीक है ना सो so, ये क्या है एडोप्टेसन है फिर एपिडर्मिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अब एपिडर्मिस में अगर प्लांट्स में हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है प्लांट्स में स्टोमेटा जो है अगर आपको याद हो हम लोग पढ़े हैं एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है ना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है ठीक है तो उसमें लीव्स के एपिडर्मिस में आपको क्या मिलता है स्टोमेटा तो वो क्या कंटेन कर रहा है क्लोरो प्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यानी यहाँ एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा तो मिल ही रहा था लीफ में आपको क्या मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट भी मिल रहा है टू परफॉर्म फोटो सिंथेसिस और ये सब में नहीं होगा एपिडर्मिस की अगर बात करें तो एपिडर लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन वो एडाप्टेशन के अंदर नहीं आ रहा है लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट्स के एपिडर्मिस में ही क्या मिल रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है ये एडप्टेशन है क्योंकि नॉर्मल प्लांट्स यानी टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है ठीक है ना सो एपिडर्मिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटो सिंथेसिस ये किसमें हो रहा है हाइड्रोफाइट्स में तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये क्या है एडप्टेशन है ठीक है फिर एक और एडप्टेसन अगर हम देखें तो लेस डेवलप्ड मैकेनिकल एंड वेस्कुलर टिशू फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनमें जो वैस्कुलर टिशूज़ हैं वो क्या रहते हैं लेस डेवलप रहते हैं ताकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे और आसानी से वो फ्लोट कर सके यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स इसमें कैसे होंगे लिविंग होंगे तो ये सारे क्या हैं एडप्टेसन है जनरली ट्रैकिड्स और वेसल कैसा होता है डेड होता है ना लिविंग नहीं होता है लेकिन इनके क्या है लिविंग है तो ये क्या है एडप्टेसन है तो ये तो हमने बात किया हाइड्रोफाइट्स के बारे में अब हम बात करते हैं ज़ेरोफाइट्स ज़ेरोफाइट्स यानी डिज़र्ट एरियाज़ में जो प्लांट रहते हैं मैक्सिमम इन कैम्प प्लांट्स इसमें क्या देखते हैं आप स्टोमेटा ओपनस एट नाइट नाइट को स्टोमेटा खुलता है जनरली दिन में स्टोमेटा खुलता है बट यहाँ जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो उनमें स्टोमेटा कब ओपन रहता है नाइट में फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर वाटर के स्टोरेज के लिए इनका जो लीव्स होता है वो कैसा रहता है फ्लैशी रहता है स्टोमेटा संकीर्ण रहता है एंड लीव्स आर रिड्यूज टू फॉर्म स्पाइन ये भी हमने पढ़ा है लीवस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में टू रिड्यूज ट्रांसपेरेशन वाटर लॉस से बचने के लिए लीव किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में क्योंकि डिजर्ट एरिया में तो वैसे भी पानी कम है स्टेम जो हो जाते कैसे हो जाते फ्लैट क्योंकि यहाँ तो लीव है नहीं क्योंकि वो लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे स्टेम कैसे हो जाएंगे फ्लैट हो जाएंगे टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और वैसे स्टेम को हम क्या बोले थे फाइलो क्लेड मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं इसे हम फाइलो क्लेड एंड अनदर वन इज़ वेल डेवलप्ड वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू यहाँ डिजर्ट एरिया में आपको क्या मिलेगा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू मिलेगा ठीक है ना सो so, आप देख रहे हैं हाइड्रोफाइट्स में आपको लेस डेवलप मिल रहा था और जेरोफाइट्स में क्या वेल well डेवलप मिल रहा है तो इन्वायरमेंट चेंज हैबिटेट चेंज के हिसाब से आपको बहुत बड़े सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अब बात करते हैं हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स कहने का मतलब स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट मिलता है मैक्सिमम इन मैंग्रोव प्लांट मैंग्रोव प्लांट की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा मैंग्रोव प्लांट हमने कहाँ पढ़ा है प्रेजेंस ऑफ चॉक ग्लैंड टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ रूट सेल मैंग्रोव प्लांट में क्या रहता है चॉक लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या मेंटेन करते है? यानि हैं ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन यानी आयंस के कंसनट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं रूट सेल के अंदर ठीक है एंड अनदर वन इज़ वी वी पोरस जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट इनसाइड दी फ्रूट यानी सीड का जर्मिनेशन इसमें फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है तो ये जो एडप्टेशन है किसका है मैंग्रोव हेलो हेलोफाइट्स का है तो अभी तक हमने जितना अडप्टन देखा वो Uh, किसके अंदर देखा वो हमने प्लांट्स के अंदर देखा अब हम एडप्टेशन देखते हैं एनिमल्स के अंदर इन एनिमल्स सबसे पहले हम देखते हैं कंगारू रेट अगर कंगारू रेट की बात करें तो नेवर ड्रिंक्स वाटर विच इज़ फुलफिल्ड बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन एंड यूरिन कंसनट्रेशन मैके यानी ये जो है पानी कभी मतलब अगर हम कंगारू की बात करें तो अगर आप देखें तो वहाँ पानी का कमी होता है तो पानी का कमी होता है तो ये क्या करता है अपने वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इंटरनली फ़ैट ऑक्सीडेशन करता है और यूनी यूरिन को कंसनट्रेट रखने का मैकेनिज्म इसके पास होता है यानी यूरिन को क्या करता है हमेशा ये कंसंट्रेट करके रखता है ठीक है और इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है जिससे क्या होता है जो वाटर है वो रिज़र्व रहता है ठीक है ना उसी तरह दूसरे एनिमल जैसे हम सील की बात करें तो दे हैव फैट डिपोज़िट दैट इज़ ब्लबर वो अपने बॉडी uh, में ब्लबर्स अपने स्किन के नीचे रखता है जो कि इंसुलेशन की तरह काम करता है इंसुलेटर की तरह काम करता है वो है क्लियर उसी तरह एलेंस रूल्स और बर्गमैनस रूल भी अगर आप पढ़े तो वो भी एक तरह का क्या है एडोप्टेसन है नेक्स्ट वन इज़ एल्टीट्यूड सिकनेस जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एपियरेंस ऑफ सिम्टम्स लाइक फैटिक नोजिया हार्ट पाल पाल्पिटेशन एट हायर एल्टीट्यूड जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है फै Fat, फैटिग्नेस थकान होने लगता है नोसिया यानी वॉमिटिंग टाइप फीलिंग आने लगता है ब्लड प्रेशर में चेंजेस आने लगते हैं ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं हार आल्टीट्यूड सिकनेस ये भी एक तरह का क्या है अडोप्टेसन है बॉडी अडोप्टशन बॉडी इसमें कैसे अडोप्ट कर रहा है इंक्रीज आर बी सी प्रोडक्शन अपने हमारे जो बॉडी हमारे जो बॉडी का जो आर प्रोडक्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा अगर आप ऑब्जर्व करना कभी आप अचानक से हाई टेम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो, हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा तभी आर का प्रोडक्शन क्या होगा ज़्यादा हो ड्रीज़ बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग uh, एबिलिटी होती है हेमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है सो so, पर्सनस ऑफ हीली एरियाज हैव मोर आर बी सी इसी कारण क्या होता है जो ही uh, एरियाज़ के पर्सनस हैं उनका जो आर बी सी का काउंट है वो ज़्यादा होता है अगर आप उनको देखो तो उनका जो फेस होता है वो रेड रेड होता है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ़ आर बी सी ठीक है ना सो so, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं पहला तो हमने देखा कंगारू रेड का जिसमें वाटर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपने यूरिन को कंसनट्रेट कर देता है इंटरनली फैट ऑक्सीडेशन करता है ठीक है ना जिससे क्या होता है वाटर स्टोर रहता है दूसरा सील में हमने देखा फैट डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लावर स्किन के नीचे जो इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है ना फिर एलन रूल और बर्गमेल्स रूल अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वो भी एक तरह का क्या है अडोप्टेसन है उसके बाद एल्टीट्यूड सिकनेस भी क्या है अडोप्टेसन इसमें बॉडी कैसे अडोप्ट कर रहा है तो आर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ब्रीदिंग रेट बढ़ा बढ़ा रहा है डिक्रीज़ कर रहा है बैंडिंग ऑफिनिटी ऑफ होमोग्लोबिन किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, साथ? ठीक है तो ये सारे किसके हैं एनिमल्स के एडप्टेशंस के, के अंदर आ रहे हैं फिर और भी कुछ देखिए जैसे अंटार्कटिका फिश की बात करें तो दे कंटेन ग्लिसरॉल एंड एंटी फ्रिजिंग प्रोटीन अंटार्कटिका फिश में क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर तो काफ़ी कम होता है तो ये क्या कंटेन करते हैं ग्लिसरॉल कंटेन करते हैं और इनमें प्रोटीन एक होता है जिसे बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इनके ब्लड में ताकि ये क्या करते हैं इनको फ्रीज करने से बचाते हैं अब ज़्यादा ठंडा वाटर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा वाटर फ्रीज हो जाएगा ना तो उस फ्रीजिंग से बचने के लिए इनके अंदर क्या होता है ग्लिसरॉल होता है और एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है तो ये क्या है ये अडपटेशन अड़, है फिर डेजर्ट लीजर्ट की बात कर बात करें तो देबास किन दी सन एंड इस्केप व्हेन बॉडी टेम्परेचर बिकम बियॉन्ड बियंड कंफर्ट जोन ये क्या होता है सनलाइट में रहेगा नॉर्मली एंड जब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है कंफर्ट जोन से तो उससे बचने के लिए क्या करता है ये स्केप हो जाता है भाग जाता है कहीं छुप जाता है ठीक है तो ये क्या है ये भी अडपटेशन है फिर आर बैक्टीरिया की बात करें तो दे कंटेन ब्रांच चेन लिपिड इन देयर मेम्ब्रेन आर बैक्टीरिया में क्या होता है ब्रांच चेन लिपिड होता है मेम्ब्रेन में ताकि वो टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को ठीक है ना तो हाई टेम्प्रेचर से बचने के लिए उनमें क्या होता है आ, जो उनके उनका जो मेम्ब्रेन होता है उनमें ब्रांच चेन लिपिड होता है ठीक है ना सो दीज आर द एडप्टेस जो कि एनिमल्स में और प्लांट्स में आपको देखने को मिल रहा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमिक्री से ठीक है सो आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस थे उनको देखा मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उन पर बेस्ड रूल देखे इन्हें हम एडाप्टशन रूल भी, भी बोले थे उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स यानी जो एबायोटिक फैक्टर हैं टेम्परेचर हैं उनके uh, उस uh, उनके में उसके कारण क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे रेगुलेटर कन्फर्मर पार्शल रेगुलेटर फिर हमने एडप्टेसन डिटेल में पढ़ा है एडप्टेशन में हमने देखा प्लांट किस किस तरह से अडाप्ट करते हैं एनिमल किस किस तरह से अडेप्ट करते हैं तो जो भी कुछ हमें हमने देखा है उसे आपको समझना है लर्न करना है एंड नोट्स प्रिपेयर करना है ठीक है सो दैट्स ऑल थैंक यू